गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट, जिसका नाम है फ्रैक्शन। क्या नाम है? फ्रैक्शन। देखिए, कुछ भी चीज़ क्या होती है? पूरी होती है। पूरी मींस होल, ठीक है? WHOLE, होल। कुछ भी चीज़ क्या होती है? पूरी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए यही है, इसमें से मैंने वन पीस निकाल दिया तो कितना बचा? इतना बचा, ठीक है? यहाँ से निकाल दिया है ना, कितना बचा? इतना बचा। अब देखिए, ये तो है होल, मीन्स पूरा है, ठीक है? अब यहाँ पर कितना बचा? तो यहाँ काउंट करेंगे कितने टोटल हैं। वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट पीसेस बने थे इसमें से टोटल, तो हमने एट लिखा है नीचे। और कितना कितना पीस नहीं है इसमें, मीन्स कितना पीस है इसमें? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, तो 7/8 हो गया इसका फ्रैक्शन। ये जो मैंने लिखा है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ? ये हमने पहले भी किया है, राइट? हाँ जी। तो अब आपको कुछ फ्रैक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इनको देखते हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्लियर हो गया आपको? जो भी नंबर ऐसे लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। ये हो गया है न्यूमरेटर। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है? जिस फ्रैक्शन में नीचे वाले मीन्स डिनोमिनेटर सेम होंगे, इसमें भी नाइन, इसमें भी नाइन, इसमें भी नाइन, उनको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उनको? लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन उनको बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 2 है, इसका 7 है। ये सब क्या है? ये हो गए हैं हमारे अनलाइक। कितने? अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर? उसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा? 1 होगा कहाँ पर? न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर क्या था? ऊपर वाला, कि जहाँ ऊपर 1 1 1 होगा, 1 होगा, ठीक है? सेम नहीं होगा, सेम नहीं बोल रही मैं कि यहाँ टू 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 हुआ तो भी यूनिट फ्रैक्शन होगा। नो, अगर सिर्फ वन होगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, तो वो क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन होगा। क्लियर? देन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हैज़ अ न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मीन्स नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा और ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे टू बड़ा है और वन छोटा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पर भी और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब है आपका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, है ना? इसका मतलब, अच्छा, ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब देखिए, समझिए। जो ये वाला इम्प्रॉपर, हम इसको इम्प्रॉपर क्यों कह रहे हैं? कि पूरा नहीं है ये, ठीक है? पूरा नहीं है ये, क्यों क्यों बोल रहे हैं? मान लीजिए एक एप्पल है, ठीक है? एक एप्पल है, उसके हमने कितने पार्ट्स किए? जो नीचे लिखते हैं उतने ही तो पार्ट्स करते हैं। तो मान लीजिए एक एप्पल है, मैंने उसके 4 पार्ट्स किए, 4 लिखा है नीचे, 4 पार्ट्स कर दिए। और मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसमें से 5 पार्ट्स आपको दे दिए। ऐसा हो सकता है कि जब मैंने एप्पल के 4 पार्ट्स किए हैं तो मैं 5 कैसे दे सकती हूँ आपको, है ना? तो इसलिए ये इम्प्रॉपर है। क्या है? इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि पार्ट तो 4 थे उसके, तो 5 कैसे किसी किसी को दे दिए मैंने, है ना? ऐसे ही ये 5 पार्ट है, किसी को 17 कैसे दे सकती हूँ मैं, है ना? तो ये क्या हो गया? ये इम्प्रॉपर है, ठीक है? इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं जब डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। क्लियर? प्रॉपर में क्या था? प्रॉपर प्रॉपर में नीचे वाला नंबर बड़ा था, नीचे वाला नंबर बड़ा था, उसका मतलब ये था कि मेरे पास एक एप्पल है, मैंने उसके 2 पार्ट्स किए हैं और आपको दे दिया है 1 पार्ट, मीन्स एक पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने आपको दे दिया, ठीक है? वो तो ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर। और जब जब नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और ऊपर का, ऊपर को क्या बोलते हैं हम?
न्यूमरेटर बोलते हैं, वो बड़ा हो जाए तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। लास्ट है इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में ये जो नंबर है ऐसे, ये आपको मिक्स्ड मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आज आपको इतना वर्क अपनी नोटबुक में करना है, ये जो आज हमने पढ़ा है इनकी सबके डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में आज लिखनी है। चैप्टर नंबर 6 डाल लीजिएगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डाल लीजिएगा, और उसके बाद ये जो हमने आज किया है, इसको पढ़ा है, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, हमने 1, 2, 3, 4 और दो ये हैं 6, 6 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इनको लिखिएगा और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं अपनी नोटबुक में। क्लियर।